लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9th ऑफ एक्सरसाइज 18 सी दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा. क्वेश्चन नंबर 9th इज कंप्यूट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा. हमें मोड कैलकुलेट करना है. क्लास इंटरवल दे रखा है हमारा, क्लास इंटरवल दे रखा है हमारा, और हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है. फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल है 1 to 5 हमारा है 3, 6 to 10 है 8, 11 to 15 है 13, 16 to 20 है 18, 21 to 25 है 28, 26 to 30 है 20, 31 to 35 है 13, 36 to 40 है 8, 41 to 45 है हमारी 6, एंड 46 to 50 है हमारा 4, राइट. ये दे रखा है. अब आप एक चीज नोट करेंगे, और हमें मोड निकालना है, नोट करेंगे कि हमारी ये अपर लिमिट लोअर लिमिट के इक्वल नहीं है. तो हम जो एग्जाम में करके आएंगे वो अप टेबल बना रही हूं मैं, क्लास इंटरवल और हमारी फ्रीक्वेंसी. दोबारा करेंगे हम, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम करनी है. तो हम क्या करते थे, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर देते थे और अपर लिमिट में ऐड कर देते थे. तो ये कितना आ गया, 0.5 से लेके 5.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 3, 5.5 से 10.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 8, 10.5 से 15.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 13, 15.5 से हमारी फ्रीक्वेंसी 20.5 तक हुई 18, 20.5 से 25.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 28, 25.5 से 30.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 20, 30.5 से 35.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 13, 35.5 से 40.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 8, 40.5 से 45.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 6, एंड 45.5 से 50.5 तक हमारी फ्रीक्वेंसी हुई 4. अब हमारा मोड का फॉर्मूला होता था L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन टूआइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, राइट. तो अब हमारा F1 F0 F2 है क्या, जो हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू है, ये है हमारी हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू. तो ये हो गई F1, उससे ऊपर वाली हो गई हमारी F0, और उसके बाद वाली हो गई F2, F1 की, राइट. तो लोएस्ट लिमिट क्या हो गई हमारी, F1 की जो लोएस्ट लिमिट दे रखी है वो, दैट इज 20.5, प्लस h क्या हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दैट इज 5, राइट. f1 कितना हुआ, दैट इज 28, f0 हमारा 18 हुआ, अपॉन 2 इनटू 28 माइनस 18, और f2 हुआ हमारा 20, राइट. अब देखिए 20.5 प्लस 5 इनटू 18 में से, सॉरी 28 में से 18 गए इज 10, अपॉन 2 इंटू 28 इज 56 माइनस 38, तो ये कितना आ गया 20.5 प्लस 5 टेंस ऑफ 50 अपॉन 56 में से 38 लेस करते हैं, तो 16 में से 8 गया 8, 4 में 3 गया 1, राइट. इसके या तो यहां से रिड्यूस कर लीजिए एक बार, या डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे. डायरेक्ट एलसीएम ले लेते हैं, 18 डायरेक्ट एलसीएम आया, तो 20.5 की मल्टीप्लिकेशन 18 में प्लस 50, राइट. तो अब ये देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 20.5 इंटू 18, 8 फाइव ज 40, 8 टू ज 16, 5 0 एंड 2, तो ये कितना आ गया 0, 9, 6 एंड 3, एक के बाद पॉइंट था तो यहाँ पॉइंट लग गया, तो ये कितना आ गया 369 प्लस 50 अपॉन 18,
ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ गया, 9, 6 प्लस 5 इज 11, कैरी 1, 4 अपॉन 18। अब 3 से देखते हैं, 3 से जाता है कि नहीं जाता है, 3 6 18, 3 1 इज 3, 3 3 इज 9, 10 11 नहीं जाएगा, तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देंगे। 419 को 18 से, अब 18 वन जा 18, 18 टू जा जाएगा, दैट इज 36। तो कितना बचा, 5 राइट। अब 5 बचा और 9 उतारा, तो 18 थ्री जा कितना होता है, 18 थ्री जा 54। कितना बचा, 5 बज गया, पॉइंट लगाया, जीरो हो गया राइट। अब 50, 18 टू जा ही जाएगा, 36 कितना आ गया, 10 में से 6 गया 4 एंड 1, 140 हो गया। अब 18, 18 सेवन जा करेंगे, 18 सेवन जा इज 126 राइट। 10 में से 6 गया 4 एंड 1, अगेन 140, अगेन 7 आ रहा है, तो हमें 2 डिजिट तक लाना होता है मैक्सिमम, या 1 डिजिट पे भी छोड़ सकते हैं। तो कितना आ गया, 23.2, बाद में 7 है तो ये क्या हो जाएगा, 8, और इज द आंसर। हमें पता चल गया कि हमारा मोड कितना आया है, मोड इक्वल्स टू 23.28 इज द आंसर।